हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पेपर फर्स्ट का आंसर हिंदी क्लब द्वारा देखेंगे। ये एग्ज़ाम बिहार टीईटी 2017 में हुआ था और ये हल हम लोग हिंदी क्लब के द्वारा देखेंगे। इसमें एडमिन जो मेरे हिंदी क्लब के जो एडमिन हैं साइको ग्रुप के साइकोलॉजी के यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रदीप जी द्वारा किया गया है, उनकी मदद ली गई है इसमें 30 क्वेश्चन में। और प्रदीप जी के बारे में बता दूँ, वो बहुत ही अच्छा नॉलेज है उनका साइको का, उनका एमए भी साइको से ही है, साइकोलॉजी से ही, और बहुत ही अच्छे नेचर के हैं वो। आइए हम लोग पेपर फर्स्ट का आंसर की जानते हैं जो हिंदी क्लब द्वारा सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में किस मनोवैज्ञानिक ने ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर के संप्रत्यय को अस्तित्व में लाया? तो ये चॉम्स्की थे। चॉम्स्की के बारे में जानते ही होंगे, 6 to 8 में मैंने साइको में बताया है, एक दो क्वेश्चन है उनका साइको का, साइको में भी मतलब शिक्षा शास्त्र में या हिंदी में बताया है मैंने। 2011 से भी इनसे संबंधित क्वेश्चन है 6 to 8 में, और 6 to 8 अभी जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी इससे इनसे संबंधित चॉम्स्की से है, नॉन चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के सीखने एवं यानी वह शिक्षण से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है पेडागॉजी। देखिए कुछ लोगों ने इसे साइकोलॉजी किया, साइकोलॉजी एक हो गया ब्रांड, मतलब उसमें एक छोटा सा है। ये संबंधित एक और क्वेश्चन था इससे जो 6 to 8 में था, उसका आंसर था एंड्रोगॉजी। क्यों था? क्योंकि वो व्यस्क से संबंधित था और ये क्या है, बच्चों से सीखने से संबंधित। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए? यहाँ शब्द देखिएगा, एक क्वेश्चन इससे और रिलेटेड है इसमें, अगर ये चीज आप यहाँ क्लियर कर लेंगे इसका भी आंसर दे देंगे, वहां भी आप आंसर दे सकते हैं। तो ये जो है दिव्यांगजन, तो ये जो है शिक्षा के किस प्रकार होनी चाहिए, तो उन्हें अलग विद्यालय में शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे अंधे भी होते हैं, तो उनके लिए शिक्षा के लिए क्या होगा, उनके लिए तो अलग ही होगा, इसके कारण ए सही होना चाहिए इसका। इससे संबंधित क्वेश्चन मैं एक और दिखाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखता है? वो 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें एक जोड़ा सही नहीं है, वो है एक स्कूल का बयान मॉन्टेसरी के बारे में जानते भी है उन्होंने, अगर आप जानते होंगे मॉन्टेसरी के बारे में तो एक क्वेश्चन बताइए, मैं पूछता हूँ। जैसे फ्रोबल ने क्या प्रतिपादित किया था, खेल द्वारा शिक्षा, तो मॉन्टेसरी ने कौन सा विधि प्रतिपादित किया था? ईडन गार्डन पद्धति, और ऑप्शन आप देख लीजिए, फ्रोबेल का था या किसका था या मॉन्टेसरी का था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसका आंसर वैसे होगा जैसे दिवास्वप्न गिजुभाई का था, बड़े भाई साहब प्रेमचंद का ही था, तोता रविंद्रनाथ टैगोर का था। आप मॉन्टेसरी के बारे में कुछ जानते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कौन सी पद्धति उनकी थी, शिक्षा पद्धति। बहुत ही आसान सा आंसर है उसका, आप तुरंत बता देंगे। देखिए यही क्वेश्चन के बारे में बता रहा था मैं, दिव्यांगजन विद्यार्थी जो देख नहीं सकते उनकी शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री उपयुक्त होंगे जो देख नहीं सकते, यानी जिनको प्रॉब्लम है आँख में, तो ब्रेन लिपि तो होता ही है पक्का है, ICT ऑडियो मटेरियल अगर देते हैं कान से सुन सकते हो वो भी होगा, 3D जब मॉडल होगा छू के बता सकते हैं बच्चे, तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए प्रमुख है? तो अनुकरण, रटना तो होगा नहीं, मैंने पहले भी शॉर्ट ट्रिक्स में बताया हुआ, अर्थ निर्माण भी नहीं होना चाहिए, प्रमुख पूछ रहा है तो अनुकरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा या से प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण अधिगम से संबंधित है? तो खेल पर आधारित शिक्षा, इसमें से उपरोक्त सही, मैं इसको स्टार लगा तो उपरोक्त सही में भी हो सकता है, कला समेकित शिक्षा ये अपर प्राइमरी के लिए हो सकता है, ये प्राथमिक है ना,
इसलिए मैंने बी लगाया। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के विचार का तात्पर्य है बच्चों के अनुभवों और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रमुख महत्व देना, यही होना चाहिए बाल केंद्रित पे, ये नंबर सही है। ज्ञान मीमांसा का संबंध है ज्ञान की उत्पत्ति संरचना एवं प्रकृति संबंधी अध्ययन से। जो ज्ञान केवल हमारे तर्क पर आधारित होता है उसे कहते हैं, देखिए अंतः प्रज्ञा होता है, ये ठीक इसका उल्टा होता है, उसमें कोई तर्क नहीं होता, तर्क पर आधारित नहीं होता है अंतः प्रज्ञा, तो ये आगनात्मक ज्ञान हो सकता है, यानी बी नंबर आपका ऑप्शन सही है। डिस स्कूलिंग सोसाइटी, इसको याद रखिएगा, डिस स्कूलिंग सोसाइटी, अगर नेट पे सर्च करना हो तो इसको सर्च करके इसको समझ लेंगे। डिस स्कूलिंग सोसाइटी को, ये इवान इलीच है और ये बहुत सारे क्वेश्चन इस समय चला हुआ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जा रहे हैं इवान इलीच से डिस स्कूलिंग सोसाइटी के बारे में। मानव विकास की प्रकृति निम्नलिखित में से क्या है, तो ये सर्वांगीण विकास, सब विकास हो उसका। बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षा के दृष्टिकोण से बच्चों के सीखने की सर्वोत्कृष्ट प्रणाली है, तो निर्माणवादी। नेक्स्ट है बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक है, ये मैं एक पहला या दूसरा वीडियो बनाया होगा तो मैंने पूछा था, आप लोगों ने कमेंट में आंसर भी दिया था, ये गार्डनर है। बिहार के विद्यालयों में गठित मीना मंच, मीना जैसे लेडीज नाम है, लेडीज से संबंधित होगा, इसमें सोचना ही नहीं है, प्रमुख कार्य क्षेत्र, ये बालिका से बालिका के विकास से संबंधित है, तो ये किशोरियों के विकास में हो जाएगा। आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र पर निम्नलिखित में कौन बल देते हैं, पॉले फ्रे होना चाहिए, फ्रेरे, बी में मारता हूँ, इसको भी स्टार लगाता हूँ लेकिन बी ही होगा कन्फर्म, क्रिस्टालोजी, जॉन डेवी, मंटेसरी तो नहीं होने, यही होना चाहिए पॉले फ्रे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना किस शिक्षा नीति की अनुशंसा के उपरांत की गई, तो 1986। सन 1994 में यूनेस्को के सलमांका अधिवेशन के मुख्य अनुशंसा संबंधित है, देखिए अनुशंसा की बात आती है तो वहाँ समावेशी शिक्षा होगा, लेकिन 1994 में जो हुआ था तो विशेष नीड्स के लिए होता है, यानी विशेष आवश्यकता शिक्षा एडुकेशन के लिए हुआ था, तो ये के लिए हुआ था लेकिन अनुशंसा था को समावेशी शिक्षा की, तो इसके अंतर्गत अगर देखेंगे तो सी होना चाहिए आंसर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित होना चाहिए, ये देखिए केंद्रित तो इस पे होना चाहिए, संज्ञानात्मक व्यवहार पे, संवेगात्मक से संवेग से तो नहीं पता कर सकते लेकिन संज्ञानात्मक होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, लेकिन बी की अपेक्षा ए पर अधिक बल, तो बी की अपेक्षा ए पे अधिक बल वही हुआ, यानी ए, इसलिए मैंने डी लगाया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आयोग ने अपने अध्ययन एवं अनुशंसा में प्राथमिक शिक्षा को भी शामिल किया है, ये कोठारी आयोग का होगा क्योंकि कोठारी आयोग ने सबको शामिल किया है आपको, ये प्राथमिक विद्यालय हो या कॉलेज लेवल पे हो, ये कोठारी आयोग ही होगा। ये क्वेश्चन है 22। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें वृद्धि समाहित होता है, ये आपका करेक्ट सही है। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें सही नहीं है तो आपका लास्ट आंसर सही नहीं है, परिपक्वता अनुवांशिकता से संबंधित है, ये ऑप्शन देखिएगा, ये आपका 6-8 में भी है, सीखना परिपक्वता पर निर्भर करता है, ये ऐसे नहीं है, परिपक्वता सीखना पर निर्भर करता है, ये ऑप्शन उसमें दिया हुआ है, ये 6-8 में। क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिभाशाली बच्चे सामान्यतः वे हर क्षेत्र में काम को अच्छे से कर सकते हैं, ये भी हो सकता है लेकिन किसी विशेष क्षेत्र में, तो ये है जाहिर सी बात ही, ये आपका किसी विशेष क्षेत्र में है, यानी जैसे सृजनात्मक होते हैं तो वो किसी क्षेत्र में होते हैं, वे हर प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे से काम कर सकते हैं, यानी प्रतिभाशाली। निम्न में से कौन प्राथमिक पुनर्बलन का उदाहरण है, ये आपका 1-5 का क्वेश्चन है,
और 6 to 8 का भी क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, ऑप्शन भी यही है, यानी सुबह में जो एग्जाम दिए होंगे उनसे अगर आप पूछे होंगे तो ये ऑप्शन आपका लड़ गया होगा। तो बच्चे को टॉफी देना, अगर किसी को आप मेडल देते हैं, सर्वोच्च अंक प्राप्त करता है, तो मेडल के लिए तो वो एग्जाम नहीं दिया है, बहुत अच्छा कहते हैं कि बहुत अच्छा करने के लिए एग्जाम नहीं दिया है, शाबाशी शाबाशी के लिए तो एग्जाम नहीं दिया। प्राथमिक पुनर्बलन यानी फर्स्ट जो चीज़ मुझे चाहिए, जो नीड है, जैसे बच्चे कुछ कुत्ते को हम लोग भोजन देते हैं, तो कुत्ते को नीड है भोजन करना, हम लोग कहते हैं यहाँ बैठो, बैठा कुत्ता कहीं बैठने के लिए बोले, उसको भोजन दिया, उसने खाया फिर भी वहाँ बैठा रहता है, तो हम लोग कहते हैं गुड डॉग। तो ये सेकंड हो गया, मैंने सेकंड दिया, लेकिन जब उसको भोजन दिया मैंने, उसका नीड दिया और सत्ता जो था उसको दिया, तो वो हो गया आपका यानी प्राथमिक पुनर्बलन। भोजन देना, टच करना, ये सब प्राथमिक में आता है। वैसे बच्चे जो अधिगम निर्योगिता के शिकार होते हैं, उसमें विशेषता पाई जाती है। देखिए, यहाँ तो पढ़ने और लिखने में कठिनाई तो होगा ही, लेकिन निम्न स्तर का गामक कौशल भी होना चाहिए और निम्न स्तर का अवधान भी होना चाहिए। अवधान मतलब निम्न स्तर का अवधान मतलब एक ही चीज़ पे, अवधान मिस हो गया, किसी एक ही चीज़ को देखते रहना, एक ही चीज़ पे, जैसे दूसरा काम हो रहा है उसके तरफ ना देखे, एक ही चीज़ को कर रहे हैं उसी को देखते रहना। तो ये उपरोक्त सभी होना चाहिए। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन जो आपका है 6 to 8 में आ चुका है, थोड़ा अलग है वो, लेकिन जो इसको देखे होंगे क्वेश्चन आंसर, वो अच्छे से 6 to 8 का पहला ही क्वेश्चन था, ग्रुप जो सीरीज डी था उसका, तो ये वो अच्छे से टिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ दोनों चीज़ दिया, आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन से ज़्यादा प्रभावी होता है, जाहिर सी बात है, आंशिक पुनर्बलन देते हैं तो सतत पुनर्बलन से ज़्यादा ही प्रभावी होगा, लेकिन जब दोनों एक, मैंने ट्रिक शॉर्ट ट्रिक्स में भी बताया कि जब दो एक जैसे हों उसमें से एक ऑप्शन सही होता है, लगभग सही होते हैं, जैसे सतत पुनर्बलन आंशिक पुनर्बलन से ज़्यादा प्रभावी होता है, तो सतत में लगातार आप किसी को पुनर्बलन दे रहे हैं, पुनर्बलन में रेनफोर्समेंट दे रहे हैं, रेनफोर्समेंट दे रहे हैं, लगातार दिए जा रहे हैं किसी भी व्यक्ति, तो लगातार किसी को दे रहे हो, क्या होगा, गलत करता है तो भी अब बहुत बढ़िया, कुछ किया बहुत बढ़िया, कुछ भी कर दिया बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड, बेस्ट। तो ये जब दे रहे हैं तो उसको क्या प्रभाव करेगा, गलती करे कुछ भी करे उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट आंशिक देते रहते को ज्यादा प्रभाव पड़ता है, सही किया तो भी हमने देने का मन हुआ कर दिया, बहुत अच्छा किया तो बोलती है। तो ये होता आंशिक, यानी कभी कभी जब जब मुझे अच्छा लगा तो मैंने दिया, बहुत ही अच्छा लगा तो दिया, कभी अच्छा करने के बाद भी मैंने नहीं दिया, तो ये ज्यादा प्रभावी होता है आंशिक, तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, उल्टा तो होगा नहीं। एक बच्चे के सीखने के लिए बुनियादी शर्त है वो सीखने के लिए तैयार हो, कोई भी बच्चा तभी सीखता है जब वो सीखने के लिए तैयार होता है, ये सीटेट का क्वेश्चन है, सीटेट का ऑप्शन है, सीटेट का क्वेश्चन नहीं है लेकिन ऑप्शन उसी का, वो सीखने के लिए तैयार हो। एकल अध्ययन यानी केस स्टडी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें केवल एक ही विधि का प्रयोग किया जाता है, ये आपका ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे विधियों का किया जाता है, मतलब बाह्य ऑब्जर्वेशन और आंतरिक ऑब्जर्वेशन, ये सब सब होते हैं, तो इसीलिए इसमें एक ही विधि का प्रयोग किया जाता है, ये आपका सही नहीं होना चाहिए। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संस्कृति रचनावाद के प्रतिपादक कौन है, तो ये वाइगोत्स्की होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं ऐसा करूँगा कि 1 to 5 का आपका साइको हो गया, अब आपका हिंदी बचता है, 1 to 5 का मैं कोशिश करूँगा आपका हिंदी का वीडियो मैं जल्दी बना दूँ अगर टाइम मिला तो, और इंग्लिश के लिए मैं कोशिश करूँगा मे बी जल्द ही बने, क्योंकि मैं स्टेट शुरू करना चाहता हूँ, कुछ जितना जल्दी हो सके मैं बनाऊँगा, नहीं तो स्टेट अब जल्दी शुरू करूँगा, क्योंकि बहुत लोगों का मैसेज आ रहे हैं, बहुत लोगों का कॉल्स आ रहे हैं, तो मैं जल्दी स्टेट शुरू करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कमेंट में आपके कमेंट हमेशा इंतज़ार रहता है, आपके कमेंट का, आपके लाइक्स का और आपके सब्सक्रिप्शन का, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो, जैसा लगता हो कि आपके एजुकेशन के लिए अच्छा हो, तो ज़रूर आप चैनल सब्सक्राइब करें, लेकिन आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो, अब ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देखा बट आपके बिहेवियर में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा, तो मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब करें तो ही अच्छा है,
क्योंकि मैं एजुकेशन के साथ चाहता हूँ ये भी कि आप अपने बिहेवियर में कुछ चेंजिंग लाए, कुछ तो करें, कुछ तो मेरे लिए कर दीजिए। बस एक चीज़ मैं मांगता हूँ, कुछ मेरे लिए कर दीजिए। वो है आप, तुम जो शब्द है वो कहना छोड़ दे और प्रत्येक बच्चे में ये चीज़ डालिए, वो आप बोलना शुरू करें। अब छोटे बच्चे को अगर आप बोलते हो तो तीसरा आपको ज़रूर देखेगा। बहुत ही अच्छे टीचर है, बहुत ही अच्छे मैनर है इनके। और ये चीज़ मैनर मैंने देखा है, ये चीज़ उन्हीं के पास होता है जिनके पास शिक्षा होती है, अच्छी शिक्षा होती है, जिनका लेवल हाई होता है। आपने देखा हो जो चीज़ अगर आप नहीं जानते कोई पूछता है ना तो आपको गुस्सा आता है, बट आपको आता है ना, बहुत ही प्यार से बताते हैं। ये चीज़ होती है जिनके पास शिक्षा होती है ना, उनके पास विवेक होता है और वो शांत रहते हैं। जिनको नहीं आता ना वो चिल्लाते रहते हैं, तुम ताम सब किए रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप ऐसे ही बनो, आपके पास बहुत ज़्यादा शिक्षा। सर लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो रहा है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस अगर आपके अंदर आप चेंजिंग लाना चाहते हैं तो लाएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।